कलाम साहब का जीवन इतना व्यापक, विशाल और गहरा रहा है कि उनको याद करने का गर्व होता है। उनको किसी ने पूछा था एक बार कि आप क्या चाहेंगे, लोग आपको कैसे याद रखें, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कहा कि लोग मुझे अगर याद रखना है तो टीचर के रूप में याद रखें। राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के दूसरे ही दिन वे चेन्नई चले गए और चेन्नई में जाकर के क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। और जीवन के अंतकाल में भी विद्यार्थियों के साथ अपने विचारों का विमर्श करते करते ही उन्होंने अपना देह छोड़ दिया। जीवन पर्यंत एक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए जुटे रहे। 125 करोड़ देशवासियों को इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा वो प्रेरित करते रहे। ये प्रेरणा हमें 2022 तक न्यू इंडिया के सपने को साकार करने में बहुत मदद करेगी। देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी जिंदगी खपा देने वाले हमारे सपूतों ने जो सपने देखे थे उन्हें पूरा करने के लिए हमारा हर प्रयास डॉक्टर कलाम को भी एक उत्तम श्रद्धांजलि बन के रहेगा।